सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने एक फियाट कंपनी का जो वीडियो डाला है तो उसमें बहुत सारा आप लोगों ने कमेंट किया कि इसमें भाई कितना शिफ्ट काम होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय में मेडिकल वगैरह होता है कि नहीं, मतलब ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन किया है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई इस वीडियो में करूँगा और थोड़ा बहुत अलग से भी कुछ बताऊंगा जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों से नहीं बता सका था, ठीक है। तो मैं अभी ये पुणे महाराष्ट्र से, मतलब रंजन गांव में MIDC इलाके में फियाट कंपनी, उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं उस अगली वीडियो में ये नहीं बताया था कि इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ITI होना चाहिए, ठीक है। और ज्वाइनिंग के समय सबसे पहले आप लोगों का मेडिकल होगा, ये मैं नहीं बताया था वीडियो में, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई क्या इसमें मेडिकल भी होता है? तो इसमें मेडिकल भी होता है, ठीक है। मतलब अगर आपका वेट 50 kg से कम है, ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, मतलब आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपका हाथ फ्रैक्चर है, तो आपको मेडिकल में छाट दिया जाएगा। और आपका वेट, हाइट, आँख, ठीक है, आपको सुनाई देता है कि नहीं आपका हाइट कितना है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मतलब अगर आप फिट हैं तभी जो है वहाँ पे एक रिपोर्ट बनता है, अगर आप उसमें अनफिट निकलते हैं तो मतलब आपको फिट होने के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, कंपनी नहीं रखेगी। उसके बाद ज्वाइनिंग वाइनिंग मतलब हो जाएगा तो आप अगर कहीं पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आप कहीं पर काम किए हैं, जैसे क्वालिटी में काम किए हैं, तो इधर भी आपको क्वालिटी में ही काम करने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको काम भी पता रहेगा और नई जगह काम सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है गाइस। और मैंने आप लोगों को बता दिया एक कंपनी में मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे टेम्परेरी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे सेकेंड ट्रेनिंग हो, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया कि मैं फियाट कंपनी में काम करूंगा, भाई रूम कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए, फियाट कंपनी में काम करने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मतलब आना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप रंजन गाँव, कारेगाँव, सिकरापुर कहीं पर भी आएंगे और वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आते ही आपको जॉब नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत शुरू में सबका पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इधर में पहली बार आते हैं तो 5 से 6 हज़ार तक आपका खर्चा रहेगा, अगर आप लोग 4-5 लोग आते हैं तो कम खर्चा लगता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे अकेले आ गए, ठीक है, तो जाते ही आप लोगों को कंपनी नहीं मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों को रूम लेना पड़ेगा, ठीक है। और रूम का कोई ज़्यादा नहीं है, 2000 से स्टार्टिंग है, 3000, 4000, 4500 जाता है, ठीक है, हाईएस्ट। और उसमें अच्छा मतलब अगर 4000 का आप लोग लेते हैं तो फ्लैट मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको बालकनी, एक रूम, किचन, बाथरूम सभी मतलब अंदर रहेगा। 4000 में आप लोग 4-5 बंदे आराम से रह सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरे से। तो अभी आप लोग इधर में देख सकते हो, ये देखिए इधर मतलब सब पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारा बिल्डिंग है, छोटा बड़ा सभी बिल्डिंग है, आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो ये जो फ्लैट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इधर में सभी फैमिली वालों को देते हैं, बैचलर को नहीं देते हैं। तो अगर आप लोग आते हैं ना तो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं ये सब जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए इसका रेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 4500 है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मतलब बहुत सारा बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास में बजट कम है, तो इधर में देखेंगे ये टीने का रूम मिलेगा, ठीक है, इसमें सब नहाने वहाने का फैन वैन सब कुछ रहता है, बस ये टीने का रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2000 में मिल जाएगा एकदम आराम से। तो एक भाई कमेंट किए हैं कि भाई अप्रेंटिस के बाद आप जो है जॉब करेंगे या फिर अप्रेंटिस करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे का नहीं देखा हूँ, ठीक है, पहले तो अप्रेंटिस कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आगे जो भी होगा मैं जहाँ भी जॉब करूँगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से।
तो एक भाई कह रहे हैं भाई जी आप कहाँ से हो, ठीक है वर्क कितने शिफ्ट में चलता है और रूम वूम मिल जाए कि नहीं, ठीक है और आप अपना नंबर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ इसमें, और भाई बोल रहे हैं जर्नल शिफ्ट चलता है कि नहीं, ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए इसमें 3 शिफ्ट चलता है और तीनों शिफ्ट में लड़का और लड़की, ठीक है सभी काम करते हैं और सभी जगह करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सानंद में था तो उधर सिर्फ 2 ही शिफ्ट लड़कियों के लिए था और लड़कों के लिए 3 शिफ्ट था, ठीक है लेकिन इधर में और वहाँ पे सानंद में लाइन पे लड़कियाँ काम नहीं करती थी, ठीक है सिर्फ ऑफ लाइन में काम करती थी, मतलब जैसे किटिंग उटिंग हो गया उधर में, लेकिन यहाँ पे लड़का और लड़की सभी को एक समान काम दिया जाता है, ठीक है सभी लोग मतलब बराबर काम करते हैं। और शिफ्ट मैंने बता दिया 3 शिफ्ट चलता है, फर्स्ट सेकेंड नाइट, मतलब सुबह 6:35 से 3:15 तक, ठीक है फिर 3:15 से सेकेंड हो जाएगा 11:45 तक और 11:45 से 6:35 तक नाइट, बाकी आने जाने का 10-20 मिनट आप लोगों का एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। और क्या बोला भाई ने रूम का, तो अगर आप लोग इधर आते हैं ना तो रूम खोजना पड़ता है, ठीक है भाई और आपने मेरा नंबर मांगा तो ऐसे मैं कितने लोगों का नंबर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो कमेंट कर दीजिए, तो मैं वहाँ पर क्या है ना पूरा कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का जो है रिप्लाई करता हूँ वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई ने बोला मुझे अपना रूम पार्टनर बना लो, ठीक है तो भाई देखिए अभी हम लोग 4-5 लोग खुद हैं, मतलब पहले से 4-5 लोग एडजस्ट है, ठीक है और मैं भी आप जैसा ही हूँ, ठीक है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और यहाँ पे मैं भी जो है अप्रेंटिस कर रहा हूँ, तो जैसे आप लोग हैं वैसे बिल्कुल मैं भी हूँ। तो मैं अभी जैसे अपने दोस्तों के साथ में हूँ, अगर मैंने ऐसा बात नहीं है, कभी कभी जो है एक दो बंदे मेरे को कॉल किए हैं तो उनको 1-2 दिन रूम में रख के इधर मैं कंपनी में लगाया हूँ, ठीक है अभी ऐसे मैं सबको करूँगा तो तब भाई मेरे को भी आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है तो इसके बारे में अभी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आप लोग इधर आइए और कहीं पर भी मतलब किसी भी गांव में रुकिए, वहाँ पे रूम ढूंढेंगे ना मिलेगा पक्का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग आइए 3-4 लोग हो के ग्रुप में आइए, आप लोगों को मतलब अच्छा रहेगा, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है और रूम का भी अच्छा वाला लेंगे तो 3-4 हज़ार में मिल जाएगा और 3-4 लोग रहिए 1000-1000 आएगा एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों का जो है। पंकज पटेल है कह रहे भाई मैं टाटा में काम किया हूँ, तू TCF शॉप में था, अपना नंबर दे सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया और हाँ मैं टाटा में काम किया हूँ TCF शॉप पर, ठीक है क्रेडल लाइन ट्रिम वन ट्रिम टू किटिंग जॉन मतलब इधर उधर बहुत सारा काम किया हूँ तो आपने देखा होगा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ लेकिन प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, ठीक है भाई और नंबर तो मैं ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही जॉब करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ कंपनी में टाइम टू टाइम, तो मेरे को उतना समय नहीं मिलता है और जैसे ही समय मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया है एज लिमिट का है, ठीक है तो मैं वीडियो में प्रॉपर मतलब एक बार में सब कुछ बता नहीं सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसी माध्यम से बहुत अच्छा बताता हूँ, ठीक है। तो भाई ने पूछा है एज लिमिट क्या है, तो देखिए इसमें मेरे को लगता है मैंने इसमें देखा है बहुत सारे एजड लड़के हैं, ठीक है 30 साल 35 साल मतलब इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है 30 साल तक का एज लिमिट है, ठीक है 23 से लेकर 30 साल तक, मतलब 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है और इसके अगर आप लोग अंदर में हैं तो यहाँ पे आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ट्रेनिंग सेकेंड ट्रेनिंग अप्रेंटिस टेम्परेरी, ठीक है और इसमें एक साई का कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है जो कि ड्राइवर का है, वो आप लोगों को PF काट के 17,000 देता है, उसमें खाना और बस नहीं है, ठीक है और उसमें ऐसा बात नहीं है क्वालिफिकेशन नहीं लेता है। अगर आप लोगों को अच्छा ड्राइवरी आता है मतलब कार चलाने आता है और आपके पास में लाइसेंस है तो इधर में एक बार आके ट्राई कर सकते हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो मैं यहाँ कंपनी में जाऊँगा और अपने कम्युनिटी पोस्ट पे और नंबर शेयर करूँगा, तो अगर आप लोग चैनल से मेरे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, उसमें मैं थोड़ा बहुत पर्सनल नंबर दिया हूँ, ठीक है